फ़ोन पे यूज़र हैं और आप फ़ोन पे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर लेना एंड अपडेट करने के बाद आपको इस तरीके से इसका फास्ट डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप अच्छे से फोकस करोगे तो यहाँ आपको जो प्रोफाइल का जो पिक्चर है यानी जो डीपी है आप इसे डीपी पे वन टैप करेंगे। वन टैप करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएगा एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर। आखिर ये ऑप्शंस क्या है, एक्चुअली इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम यही चीज़ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सिंपल आप इस पर वन टैप करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर नंबर से होगा आपके स्क्रीन पर, वही नंबर से होगा जिस नंबर से आप फोन पे अकाउंट क्रिएट करके यूज़ कर रहे हो, राइट। आपको इस नंबर पर ऊपर वन टैप करना है एंड उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन नज़र आएगा, प्रोसीड पर टैप करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटो फिल हो जाए तो अच्छी बात है, ऑटो फिल ना हो तो आप इसको मैनुअली यहाँ पे फिल कर लेना। आपके रजिस्टर नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद जस्ट सबमिट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएगा जैसा कि यहाँ पे पेंडिंग, एक्टिव, पाउज और आर्काइव। अपने को सिंपल यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं वो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आपको नीचे मिलेगा बैंक अकाउंट, जस्ट बैंक अकाउंट पे टैप करेंगे एंड यहाँ मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन। नीचे में आप बॉटम के साइड ऐड बैंक अकाउंट पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट शो हो जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ बैंक के अंदर ये फैसिलिटीज मिल रही है और आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, जैसे कि स्टेट बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एक्सिस, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप नोटिफाई मी पे टैप कर सकते हो, जैसे इस बैंक के अंदर ये फीचर्स आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो भी बैंक ऊपर में शो हो रहा है इन सभी बैंक के ऊपर आप इस फीचर्स का लाभ ले सकते हो। अब जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स अपने काम क्या मिलेगा। तो सिंपल जो सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, मैं इस बैंक के ऊपर इसमें लिंक करूँगा। हालांकि मेरे पास ये बैंक अवेलेबल है, अगर आपके पास होगा तो आप भी कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपकी बैंक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा तो आप कर लेना, ठीक है। अब हम पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद थोड़ा सा फाइंडिंग करेंगे, नहीं सर्च करेगा क्या रियली में आपके पास कोई खाता है या नहीं। अगर होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक दिखेगा एंड नीचे मिलेगा सेलेक्ट एंड लिंक, आप इस पर टैप करेंगे एंड यहाँ फिर से एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आप उस OTP को फिल कर लेना। चलिए मेरा फिलहाल OTP आ चुका है, यहाँ पर OTP को फिल कर लेते हैं। OTP फिल करके सबमिट पर टैप करेंगे एंड यहाँ आपका बैंक लिंक हो चुका है सक्सेसफुली। अब डन पे टैप करेंगे। अब बात करते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। देखिए यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने का देखिए बैक यहाँ पे जो इसका बेनिफिट्स है ना कि आप फोन पे के अंदर चाहे आपके पास जो ही बैंक अकाउंट हो उस बैंक अकाउंट का सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप यहीं से मैनेज कर पाओगे। कैसे पॉसिबल होगा, सिंपली कुछ नहीं करें, यहाँ मेरा व्यू स्टेटमेंट आप इस पर टैप करेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट से होगा जो बैंक आपने लिंक कराया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, आप इस पर टैप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे बैंक के पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो कर दी जाएगी, यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका स्टेटमेंट कितना से कितना दिन का आएगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नीचे मिलेगा अप्रूव कॉन्सेंट, आप इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पेज आएगा, बट यहाँ से आप एक स्टेप बैक कर लेना और फिर आप इस पर टैप करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बैक करने के बाद ना यहाँ पे आपको हिस्ट्री शो हो जाएगी, जैसे कि मेरा तो अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी हिस्ट्री शो नहीं हो रही है। आपका आपने ट्रांजेक्शन किया होगा इस बैंक से तो यहाँ पे सारे आपको हिस्ट्री शो हो जाएगा एंड आप मंथ पे टैप करके या फिल्टर पर टैप करके अपने अकॉर्डिंग इसको फिल्टर करके कैटेगरी वाइज भी आप हिस्ट्री को देख पाओगे। तो ये अपडेट मुझे अच्छा लगा कि फ़ोनपे के अंदर आप मल्टीपल कोई बैंक को लिंक करके सारे ट्रांजेक्शन को आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।